दोस्तों, जब भी मैं खिलाड़ी कुमार को लेकर यह बात सबके सामने कहता हूं कि भैया खिलाड़ी कुमार के स्पीड को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो दोस्तों इस बात पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन भाई, जिस तरीके से खिलाड़ी कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों का काम खत्म कर रहे हैं, उसको देखने के बाद तो भैया अब उन लोगों के मुंह पर भी ताले लगने वाले हैं जो कि इन दिनों खिलाड़ी कुमार को लेकर भैया गलत न्यूज, गलत खबरें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। यानी कि भैया इन लोगों ने खिलाड़ी युग में खिलाड़ी को चुनौती देने की कोशिश की है और भाई खिलाड़ी भी इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2021 की शानदार शुरुआत कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या है यह खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड का रियल मेगा स्टार यानी भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी के भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, हमेशा मैं खिलाड़ी कुमार को लेकर एक बात बोलना नहीं भूलता हूं कि भाई उनके स्पीड को पकड़ने की कोशिश मत करो मेरे भाई, ये उनका युग है, ये खिलाड़ी एरा है, इस एरा में खिलाड़ी से कोई नहीं खेल सकता है। यानी कि भैया जो खेल अभी आप लोग हल्का फुल्का खेलना सीखे हो, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म वाला और खिलाड़ी कुमार के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाने वाला, भैया इस खेल का मुंहतोड़ जवाब खिलाड़ी कुमार बहुत अच्छे तरीके से देना जानते हैं और भाई इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। और भाई ये हेटर्स जो कि कई दिनों से खिलाड़ी कुमार के नाम से बहुत ही गलत खबरें सोशल मीडिया पर फैलाते नजर आ रहे थे, भैया अब खिलाड़ी कुमार इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं 2021 में अपनी आने वाली कई सारी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से। तो भैया खिलाड़ी कुमार ने हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से स्कॉटलैंड में अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बेल बॉटम का काम खत्म करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, उससे तो भैया कई लोगों के मुंह पर ताले लग गए। और भाई इधर दो महीनों में ही यानी कि नवंबर और दिसंबर में ही खिलाड़ी कुमार दो फिल्मों का काम धड़ल्ले से खत्म करने वाले हैं, यानी कि भैया वो एक और नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं 2020 में कि भैया दो महीने में दो बड़ी बड़ी फिल्मों का काम वो निपटा के भैया आगे बढ़ जाएंगे 2021 के लिए। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज चौहान का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था और यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन भैया अब यह फिल्म 2021 में जा चुकी है और इस फिल्म का काम बहुत ही धड़ल्ले से कंप्लीट कर रहे हैं खिलाड़ी कुमार। और इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भैया नवंबर के एंड तक खिलाड़ी कुमार इस फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म के अपने तरफ का पूरा काम कंप्लीट कर लिया और इस फिल्म में उनके साथ जो बाकी का काम बचा है वो संजय दत्त का है, यानी कि संजय दत्त जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे वो इस फिल्म की टीम के साथ जुड़ जाएंगे और उनके साथ खिलाड़ी कुमार अपने पैचवर्क को कंप्लीट करके भैया पृथ्वीराज चौहान के काम को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद वो लग जाएंगे अतरंगी रे के शूट में, यानी कि भैया दिसंबर के महीने से वो अतरंगी रे का शूट चालू कर देंगे और भाई इस फिल्म का काम कंप्लीट करने के बाद वो एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान अपने साथ जोड़ लेंगे। तो भाई हेटरों तैयार हो जाओ, खिलाड़ी कुमार का मुकाबला करने के लिए 2021 में आप लोगों ने बहुत गंद फैलाया है, 2020 में आप लोगों को जवाब देने के लिए अब खिलाड़ी कुमार तैयार हैं। तो भैया ये खिलाड़ी एरा है और खिलाड़ी के साथ खेल खेलने की तैयारी तो आप लोगों ने बहुत की थी, लेकिन भाई आप लोग जो अभी खिलाड़ी के साथ में जो खेल खेल रहे हो उस खेल में आप लोग अभी अनाड़ी हो मेरे भाई, खिलाड़ी तो हर खेल के मामले में खिलाड़ी है मेरे भाई और खिलाड़ी कुमार आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, दो फिल्मों का काम दो महीने में अक्षय कुमार कंप्लीट करने वाले हैं, इस बात की जानकारी मैंने आपको दी थी कि भैया पृथ्वीराज चौहान का काम जो है वो नवंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा और इसका शेड्यूल जो थोड़ा सा लंबा खिंच गया है वो खींचा है केवल संजय दत्त के खराब स्वास्थ्य की वजह से, यानी कि भैया इस फिल्म का काम तो अक्षय कुमार बहुत पहले ही निपटा चुके रहते हैं लेकिन भैया संजय दत्त की वजह से इस फिल्म का शेड्यूल थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए यह फिल्म थोड़ी सी लंबी खिंच गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दो महीनों में दो फिल्मों का काम खिलाड़ी कुमार खत्म कर रहे हैं। तो भैया आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि है कोई बॉलीवुड में इतना बड़ा सुपरस्टार जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों को यानी कि भैया इतने बड़े बड़े बजट की फिल्मों को चुटकियों में खत्म कर सके, है कोई तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।